तो चलिए बात करते हैं वन प्लस एट सीरीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पे वन प्लस अपना एट सीरीज के अंदर में तीन नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके अंदर वन प्लस एट, वन प्लस एट प्रो एंड वन प्लस एट लाइट देखने को मिलेगा। और जो ये लाइट वेरिएंट होगा ना, ये बेसिकली होगा एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन जो कि अंडर 25,000 में हमें दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वन प्लस एट लाइट में आपको क्या कुछ फीचर और स्पेसिफिकेशन दिखने को मिलेगा, कब तक और कितनी प्राइस में लॉन्च होगा, सारी डिटेल इस वाली वीडियो के अंदर। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लेना इस वीडियो को। सो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले से। तो यहाँ पे वन प्लस एट लाइट में आपको एक पंच होल डिस्प्ले के साथ 6.4 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पीछे की साइड में आपको वर्टिकल ट्रिपल लेयर कैमरा ग्लास बैक के साथ आपको देखने को मिल जाता है, पूरा प्रीमियम डिजाइन। दोस्तों अगर इस फोन की प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वन प्लस एट लाइट में आपको मिलेगा डायमेंसिटी 1000 चिपसेट के साथ, मीडियाटेक के तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 1000 चिपसेट जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ में ये चिपसेट जो है 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। अभी इंडिया में जब आएगा इसमें आपको 5G देखने को मिलेगा या तो फिर नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 8GB 120, 8GB एंड 8GB 256GB रैम वेरिएंट के साथ आपको वन प्लस एट लाइट देखने को मिलेगा। साथ में इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 10 एंड ऑक्सीजन OS आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे वन प्लस एट लाइट की अगर कैमरा के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल वर्टिकल कैमरा मिलता है जो कि इस फोन का एक और की फीचर होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का मेन RGB सेंसर, साथ में आपको एक TOF सेंसर के साथ, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या तो फिर डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रंट में आपको मिल सकता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी चलो बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 4000 mAh बैटरी के साथ आपको 30 वाट फास्ट चार्जिंग एंड USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि वन प्लस का डैश चार्जिंग होता है। अगर दोस्तों प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो वन प्लस एट लाइट सेकेंड क्वार्टर तक इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, यानी कि आपको मार्च के बीच में या तो फिर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों 8/128GB जो कि इस फोन का बेस वेरियंट रहने वाला है, इसका प्राइसिंग हो सकता है 20 से लेकर 25,000। तो बाकी आपको क्या लगता है वन प्लस एट लाइट के बारे में, क्या आप इस फोन को लेना पसंद करोगे अगर अंडर 25,000 में लॉन्च? सब कुछ नीचे कमेंट में जरूर से मुझे बोलो अपना थॉट, अपना राय इस फोन के बारे में, और आपका एक्सपेक्टेशन भी मेरे साथ शेयर करना। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।